नमस्कार, मैं प्रिया धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारत में भी बिटकॉइन या किसी अन्य क्रिप्टो करेंसी को सरकार ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन इसी बीच हैकर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट को हैक कर बिटकॉइन को लेकर ऐसा ट्वीट किया जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। हालांकि अब पीएमओ ने जानकारी दी है कि उनके ट्विटर हैंडल को फिर से सुरक्षित कर लिया गया है। ब्रिटेन में एक नई वैज्ञानिक विश्लेषण में चेतावनी दी गई है कि यदि लोगों के सामाजिक रूप से एकत्र होने पर रोक नहीं लगाई गई तो देश अगले साल जनवरी से कोरोना वायरस के नए स्वरूप से उत्पन्न संक्रमण की बड़ी लहर का सामना कर सकता है। वित्त मंत्रालय ने नवंबर महीने के लिए अपनी मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में भारत की रियल जीडीपी सालाना आधार पर 8.4% की दर से बढ़ी है। वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वित्त विभाग 2020 की समान तिमाही में महामारी से पहले के आउटपुट की 100% रिकवरी हो गई है। असम में डिब्रूगढ़ स्थित इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 टेस्ट किट तैयार किया है। खास बात यह है कि इस किट की मदद से कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता सिर्फ 2 घंटे में लगाया जा सकता है। बिहार के गांव की गलियां अब सोलर लाइट से जगमगाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के राज्य के गांव में सोलर लाइट लगाने की तैयारी है। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने इस योजना को स्वीकृति प्रदान की है। योजना के तहत राज्य में पहले चरण में 10 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन ने कहा है कि वो मशरफे मुर्तजा को मेंटोर की भूमिका में राष्ट्रीय टीम के साथ जुड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट की माने तो 38 वर्षीय मुर्तजा बीसीबी अध्यक्ष नजमुल हसन और बांग्लादेश के एक दिवसीय कप्तान तमीम इकबाल के साथ ढाका में मुलाकात हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि वसीयत के जरिए संपत्ति पर दावा करने वालों का दायित्व है कि वो वसीयत की सत्यता सिद्ध करे। सिर्फ इसलिए कि वसीयत पंजीकृत है इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी सच्चाई सिद्ध करने की कानूनी आवश्यकताओं का पालन नहीं किया जाएगा। स्पेन के पूर्व स्टार खिलाड़ी और टेनिस रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले मैनुअल मोनोलो सताना का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। सताना ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले पहले स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी थे। मैड्रिड ओपन ने शनिवार को अपने सम्मानित अध्यक्ष की जान जाने की जानकारी दी है और इसके पीछे का कोई कारण नहीं बताया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजारीबाग में आयोजित प्रमंडल स्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम के दौरान घोषणा की है कि राज्य सरकार सभी वर्ग के छात्रों को उच्च स्तर शिक्षा के लिए विदेश जाने का मौका देगी और इसका पूरा खर्च उठाएगी। भगवान शिव की नगरी के रूप में प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ नगरी की सौंदर्यीकरण के बाद उसे 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करेंगे। इसी के साथ दिव्य काशी भव्य काशी के नाम से होने वाले देशव्यापी कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे। दिल्ली में सर्दी का सितम शुरू हो गया है। रविवार को न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो राजधानी में इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान है। इस बीच राजधानी में हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है और रविवार सुबह यह खराब श्रेणी में पहुंच गई है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था से जूझ रहे अफगानिस्तान के लिए भारत मसीहा बनकर सामने आया है। भारत ने मानवीय सहायता के रूप में स्वास्थ्य सामग्री यानी 1.6 मीट्रिक टन जीवन रक्षक दवाओं की पहली खेप अफगानिस्तान भेजी है, जो शनिवार को काबुल पहुंच गई है। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मुंडजेक ने ट्विटर पर कहा है कि सहायता इस कठिन समय में कई अफगान परिवारों की मदद करेगी। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। इटली निवासी 20 वर्षीय व्यक्ति में कोविड का पता चला है। ये 22 नवंबर को भारत आया था और 1 दिसंबर को उसमें कोविड के लक्षण पाए गए। उधर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी एक शख्स कोविड संक्रमित पाया गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला है कि उसमें ओमिक्रॉन वेरियंट है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में जाति आधारित आरक्षण पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने आज यानी रविवार सुबह फेसबुक पर अपने पोस्ट में कहा कि अब वक्त आ गया है कि जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करके परिवार की आय के आधार पर आरक्षण दिया जाए। अगले साल यानी 2022 की शुरुआत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद खुशहाल होने वाली है। महंगाई भत्ते डियरनेस रिलीफ में इजाफा होने की संभावना है, तो एक और फायदा कर्मचारियों को मिलने वाला है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर पर भी सरकार ले सकती है कोई बड़ा फैसला। दिल्ली में इंडिया गेट के लॉन में आज स्वर्णिम विजय पर्व के उद्घाटन के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पूर्व रिकॉर्ड किए गए संदेश को चलाया गया। यह संदेश 7 दिसंबर को रिकॉर्ड किया गया था। आज ही के दिन 1971 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जंग में हराया था। देश इस युद्ध की 85वीं वर्षगांठ को स्वर्णिम विजय पर्व के रूप में मान रहा है।
आपको पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी बचत योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें निवेश किए गए आपके पैसों पर एक अच्छी ब्याज दर मिलेगी। पोस्ट ऑफिस की इस छोटी बचत योजना का नाम मंथली इनकम स्कीम है। आप इस बचत योजना में कम रुपए के साथ निवेश शुरू कर सकते हैं। इस स्कीम में निवेश करने पर आपको कई तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। इसमें निवेश करने पर आपके खाते में हर महीने पैसे आते हैं। बिजली मंत्रालय के हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में बिजली की खपत दिसंबर के पहले 10 दिन में पिछले साल की तुलना में करीब 1.3% बढ़कर 34.23 अरब यूनिट पर पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार पिछले साल समान अवधि में बिजली की खपत 33.78 अरब यूनिट रही थी। दिसंबर 2020 के पूरे महीने में बिजली की खपत 105.62 अरब यूनिट रही थी। वहीं दिसंबर 2019 की बात करें तो ये 101.08 अरब यूनिट थी। विशेषज्ञों की माने तो दिसंबर में बिजली की मांग में सुधार की प्रमुख वजह देश भर में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आना है। न्यूजीलैंड में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। पैसे के लालच के लिए एक शख्स ने 24 घंटे के भीतर कोरोना की 10 बार वैक्सीन लगवा ली। फिलहाल उसकी सेहत सामान्य है। वहीं विशेषज्ञों ने जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क की सलाह दी है। भारत में ओमिक्रॉन के मरीज की संख्या 33 हो गई है। रविवार को आंध्र प्रदेश में एक मरीज में इसकी पुष्टि हुई है। यह आंध्र प्रदेश का पहला मरीज है। इससे पहले शनिवार को दिल्ली में एक और मरीज मिलने से देश में इस वेरिएंट के 32 मामले हो गए थे। इस बीच महाराष्ट्र और राजस्थान से अच्छी खबर आई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से ठीक होने वाला पहला मरीज सामने आया है। इसी तरह राजस्थान में कुछ मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। सौरभ गांगुली ने अब एक ताज़ा इंटरव्यू में रोहित शर्मा पर लिमिटेड ओवर क्रिकेट में भरोसा जताने की वजह बताई है। न्यूज़ 18 को दिए इंटरव्यू में बीसीसीआई प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो पहले की कप्तानी को अच्छी तरह से टीम का नेतृत्व करने में काबिल हुए थे, इसीलिए ही सिलेक्टर्स ने भरोसा जताया है। गांगुली ने कहा कि वो अच्छा प्रदर्शन करने का रास्ता निकाल लेगा और मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा करेगा। आईपीएल में उसका रिकॉर्ड ज़बरदस्त है। देश में कोरोना के नए मामलों को लेकर राहत थोड़ी जरूर मिली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,774 नए केस सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान 306 कोरोना मरीजों ने दम भी तोड़ा है। पिछले 24 घंटे में 8,464 मरीज ठीक होने से कुल रिकवरी बढ़कर 3,41,22,795 पर पहुंच गई है। CBSE ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए प्री एडमिट कार्ड जारी कर दी है। उम्मीदवारों को लंबे समय से इसका इंतजार था। जिन उम्मीदवारों ने CTET 2021 के लिए आवेदन किया है वो आधिकारिक वेबसाइट CTET.NIC.IN पर जाकर प्री एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। CBSE के मुताबिक फिलहाल उन परीक्षार्थियों के प्री एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं जिनकी परीक्षा 16 से 31 दिसंबर 2021 तक आयोजित की जाएगी। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड कोषों के प्रति निवेशकों का आकर्षण बरकरार है। नवंबर में गोल्ड ETF ने 683 करोड़ रुपए का निवेश आया है। पीली धातु की कीमतों में करेक्शन तथा कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर चिंता बढ़ने के बीच गोल्ड ETF की ओर निवेशकों का रुझान बढ़ा है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड द्वारा दौरा रद्द करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने उम्मीद जगाई है और व्हाइट बॉल सीरीज के लिए राजी हुए हैं। दोनों टीमों के बीच कराची में सोमवार से 3 मैच की T20 सीरीज शुरू होने से पहले मेहमान टीम के 3 खिलाड़ी और एक स्टाफ मेंबर को COVID-19 संक्रमित पाया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन आने की वजह से देश में तीसरी लहर आने की आशंका शुरू हो गई है। इसी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि महामारी का खतरा अभी भी बरकरार है और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन आने की वजह से दुनिया भर कोरोना महामारी का जोखिम बना हुआ है। जापान ने चीन से आग्रह किया है कि वो दक्षिण चीन सागर में जिम्मेदारी के साथ कार्य करे। टोक्यो की तरफ से चीन से पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर, हांगकांग और उसके झिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में जिम्मेदारी से कार्य करने का आग्रह किया गया है। झारखंड सरकार झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का महिला सशक्तिकरण को लेकर किया जा रहा प्रयास अब सरजमी पर दिखने लगा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आज राज्य में गेंदे के फूल की खेती कर अच्छा मुनाफा कमाकर आत्मनिर्भर बन रही कई महिलाएं हैं। एक तरफ जहां देश और दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी आ गई है। इस बीच देश में कोरोना की दोनों डोज ले चुके लोगों के लिए बूस्टर डोज की सिफारिश भी सामने आई है। ये 40 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए है। इसके साथ ही अब केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन के तहत आने वाली कोरोना संबंधी विषय विशेषज्ञ समिति ने बूस्टर डोज को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से और आंकड़े देने को कहा है। अगर कमाई के लिहाज से देखा जाए तो देश में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री का पहला नाम है। मार्केट कैपिटल के लिहाज से भी यह कंपनी नंबर 1 के पायदान पर है, लेकिन नौकरी देने में यह फिसड्डी साबित हुई है। हार्वर्ड रिपोर्ट के अनुसार रतन टाटा की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ऐसी कंपनी है जिन्होंने देश में सबसे ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रवीण कुमार, सौरभ मिश्रा, सौर्य रोशन, सचिन कुमार, प्रिंस पारो यादव, जॉइन एंटरटेनमेंट, संतोष कुमार, कृष्ण दुबे, शैलेंद्र महतो, हर्ष पांडे, जितेंद्र ठाकुर, नुनू कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश में ओमिक्रॉन के वर्तमान मामलों को देखते हुए क्या दोबारा से बचाव के लिए सख्त नियमों को लागू कर देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।